अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जल्द से एनओसी कैंसिल होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इंतजामिया आखिरी वक्त पर जाकर जल्द से एनओसी क्यों मुअत्तल करती है। लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं तो बाद में पता चलता है कि जलसा मुअत्तल हो गया, क्या अच्छा लगेगा कि मैं कमिश्नर को बुलाकर शोकाज नोटिस जारी करूँ। एडवोकेट जर्नल ने 8 सितम्बर को जलसे की इजाज़त की यकीन दहानी करवा दी है। अदालत ने केस की समाअत 10 सितम्बर तक मुलतवी कर दी है। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जलसे का एनओसी कैंसिल होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इंतजामिया आखिरी वक्त पर जाकर जलसे का एनओसी क्यों मुअत्तल करती है। लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं, बाद में पता चलता है कि जलसा मुअत्तल हो गया, क्या अच्छा लगेगा कि मैं कमिश्नर को बुलाकर शोकाज नोटिस जारी करूँ। एडवोकेट जर्नल ने 8 सितम्बर को जलसे की इजाज़त की यकीन दहानी करवा दी है। अदालत ने केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जलसे का एनओसी कैंसिल होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि इंतजामिया आखिरी वक्त पर जाकर जलसे का एनओसी क्यों मुअत्तल करती है।